नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से जनरल टिकट या फिर चालू टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप कैसे बुक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और वहां पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जो ऐप जो इंडियन रेलवे द्वारा डेवलप किया गया है, उस ऐप का नाम है यूटीएस। यूटीएस ऐप आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्ले स्टोर में ये रहा आपका ऐप यूटीएस, जिसको डेवलप किया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 3.7 की रेटिंग है। 3.7 की रेटिंग इसलिए है कि अभी ये ऐप जो है थोड़े से इसमें बग हैं या फिर कोई और दिक्कत है, इस वजह से इसको रेटिंग जो है इसको कम दिया गया है यूजर्स द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैड एक्सपीरियंस, मैनी बग्स। तो अभी हाल फिलहाल में ये उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए इसकी रेटिंग कम हो गई है। तो आपको यहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है यूटीएस ऐप, उसके बाद में आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना होगा, और अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। और ऊपर में देखिए आपका लिख के आ रहा है IR अनरिजर्व टिकटिंग, तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद आप जो इस ऐप के एक बार आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद में आप जो है इस ऐप में जो है टिकट बुकिंग के ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं: बुक टिकट, कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री, आर वॉलेट, प्रोफाइल, शो टिकट, लॉग आउट। तो कैंसिल टिकट में जो आपने इस ऐप के जरिए टिकट बुक किया होगा वो टिकट आप कैंसिल कर सकते हैं। और ये ऐप आपका जो है कि GPS सर्विस का इस्तेमाल करता है, तो इस ऐप से आप बुकिंग तभी कर पाएंगे जब आप किसी रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर में आप होंगे। तो यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आ रहा है क्विक बुकिंग, नॉर्मल बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट। तो आप जो है कि यहाँ से नॉर्मल बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल बुकिंग पे आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे: बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, बुक एंड प्रिंट। तो पहला आप जो है पेपरलेस ट्रैवल कर सकते हैं, आपको टिकट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा है आप टिकट बुक कीजिए और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। तो आप जो है पेपरलेस ट्रैवल करेंगे तो आपको जो SMS होगा वो SMS दिखाना पड़ेगा TT जब भी आपसे मांगे। और बुक एंड प्रिंट में जो है कि आपको अपना प्रिंट आउट लेना पड़ेगा अपने टिकट का। तो यहाँ पे बुक एंड ट्रैवल पे क्लिक किया तो देखिए आ रहा है नो रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड विद इन 2.0 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम योर लोकेशन। तो रेलवे स्टेशन के पास में होंगे, 2 किलोमीटर के एरिया में होंगे, तभी आप जो है बुकिंग कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रिंटिंग में है, प्रिंट करने में, एक मिनट इसको बैक जाता हूँ। हम जो है नॉर्मल बुकिंग में बुक एंड प्रिंट का ऑप्शन लेके करते हैं। तो बुक एंड प्रिंट का हम अगर देखते हैं लखनऊ से ये सुविधा है कि नहीं। लखनऊ, ठीक है। एज़ यू हैव सेलेक्टेड टू बुक पेपर टिकट, इट इज़ मैंडेटरी टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द टिकट फ्रॉम ATVM KOTVM। तो इसको प्रिंट करने के लिए भी वहाँ पे एक मशीन लगी होगी, तो उस मशीन की मदद से आप जो है कि अपना टिकट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टू टेक प्रिंट आउट द टिकट फ्रॉम ATVM KOTVM कियोस्क फॉर जनरल बुकिंग काउंटर एट लखनऊ स्टेशन बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ओके करते हैं, ठीक है। अब टू स्टेशन हम डालते हैं, देखते हैं कानपुर आता है कि नहीं। कानपुर, कानपुर, कानपुर सेंट्रल आ गया, ठीक है। अब इसको हम डन पे क्लिक करते हैं। तो डन पे क्लिक करने के बाद में हम एडल्ट वन, ठीक है, टिकट टाइप जर्नी का, इसमें रिटर्न का भी आप टिकट ले सकते हैं। ट्रेन टाइप हमारा ऑर्डिनरी, या फिर अगर AM EMU पैसेंजर ट्रेन से आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना है, फर्स्ट क्लास। और पेमेंट आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट अदर्स है या फिर आर वॉलेट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कि ये ऐप अभी सारे स्टेशनों के लिए काम नहीं कर रहा है, कुछ रिजर्व स्टेशन ही है जहाँ के लिए आप इस ऐप की मदद से टिकट ले सकते हैं।